खबर बाराबंकी जनपद से, जहां लगभग 100 वर्ष बाद कनाडा से भारत वापसी पर बाराबंकी में मां अन्नपूर्णा की यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। सफेदाबाद बाईपास पर श्रद्धालुओं ने माता की पूजा अर्चना की। भिठरिया बाईपास पर 7 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद माता अन्नपूर्णा की यात्रा पहुंची, जहां दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने पुनः स्थापना यात्रा में माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना कर यात्रा को आगे बढ़ाया। आपको बता दें, करीब 107 साल पूर्व माता अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद दोबारा भारत लाया गया। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी को यह मूर्ति काशी में पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया है। सीएम के निर्देशन में मां अन्नपूर्णा की यात्रा काशी तक जाएगी। भिठरिया में मां अन्नपूर्णा की यात्रा के बाद पूजा अर्चना कार्यक्रम में दरियाबाद विधायक सतीश शर्मा, हैदरगढ़ विधायक बैजनाथ रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव, दरियाबाद के युवा ब्लॉक प्रमुख आकाश पांडे, सतीश जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राममिलन रावत सहित हजारों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। हम मौजूद हैं जिला बाराबंकी के सफेदाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष राममिलन रावत। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से अन्नपूर्णा देवी जी की मूर्ति आ रही है और यहाँ पर स्वागत के लिए काफी यहाँ पर समर्थक उमड़े हुए हैं। मोदी जी की देन है। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल की तरफ से। सभी देशवासियों को मां अन्नपूर्णा जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि और सम्मान देने को अनुरोध कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ अन्नपूर्णा माता जी सबको देखें और ये कोरोना महामारी को जो है सब बिल्कुल हटा दें, मिटा दें, यही हमारी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी जी की मूर्ति आ रही है, तो मूर्ति एक हिंदुत्व का परिचय है, तो सभी लोगों को यहाँ पे होना चाहिए था। अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग और विधायक मंत्री यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, इसकी क्या खास बात है? देखिए, क्या वो असली हिंदू नहीं है सर? देखिए, ये तो आप जानते हैं, मुल्ला तो आप जानते हैं कि कौन से मुल्ला है, क्या है, ये तो आपसे कुछ छिपा ही नहीं है कि कौन हिंदू है को मुस्लिम है। उनको सिर्फ वोट की राजनीति करना है, हम लोगों की धर्म की राजनीति और वोट की राजनीति से मतलब है। हम लोगों से हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, इसलिए यात्रा है। उनको कोई हिंदू धर्म से आस्था नहीं है, वो हिंदुस्तान में भारत माता की जय बोलने से भी गुरेज करते हैं। उनको जय बोलने से जो भारत माता की जय बोलते हैं तो नहीं बोलेंगे, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यही सब कुछ करते हैं। 100 करोड़ हिंदुओं के दिल को ठेस पहुंचेगी अगर वो लोग यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे तो? बिल्कुल पहुंचेंगे, उनको आना चाहिए था। ये तो सकती है माता, उनको आना चाहिए था। 100 करोड़ क्या, उनको तो पूरे विश्व में ये संदेश जाएगा कि अन्नपूर्णा माता जी के शुभ अवसर पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के रूप में। यहाँ पर लोग, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दिखावटी हिंदू होते हैं, ठीक है, आज उसका परिचय यहाँ पे मतलब देखने को मिल रहा है। अरे ऐसा नहीं है, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, ये दिखावटी हिंदू नहीं, नहीं जो लोग नहीं आए हैं, जो लोग नहीं आए अन्नपूर्णा देवी से। सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माता अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति इस हिंदुस्तान के स्वाभिमान को प्रस्तुत करते हुए हिंदुस्तान में आई है। हम सब उसके लिए स्वागत के लिए तैयार हैं और भारी उत्साह यहाँ। राजधानी जी, ये बताइए, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं माँ अन्नपूर्णा की देवी जी की मूर्ति आ रही है, तो कितने लोगों में हर्षोल्लास यहाँ पर दिख रहा है? Let's go.
धन्यवाद देना चाहूंगी, वो हमारे आदर्श है और बिना आने के तो हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते। जब भी कुछ कार्य करते हैं तो उसमें भोजन बनता ही है, सबसे पहले हम तो अन्नपूर्णा का ही भोग लगाते हैं। तो आज हमारे देशवासियों के लिए इसलिए हर्ष की बात है कि जो कनाडा में मूर्ति चली गई तो चोरी हो गई, हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत के बाद हमारे भारत देश में हमारी संस्कृति। मैम एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पर लोग ये भी बातें कर रहे हैं जैसे कि 125 करोड़ की देशवासियों की आस्था है कि माँ अन्नपूर्णा देवी जी की मूर्ति 100 साल बाद वापिस आ रही है, लेकिन यहाँ पर अन्य राजनीतिक पार्टियों के जो मंत्री विधायक यहाँ पर है कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या वो असली हिंदू नकली हिंदू यहाँ पर बातें हो रही है? नहीं, लेकिन उनको यहाँ होना चाहिए था ना। घूम घूम के देख रहे हैं कवरेज के माध्यम से, आप देखिए ना कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ये आपका काम है कि आप दूसरे दलों को ढूंढिए, अगर ढूंढना पड़े तो शर्त की बात है क्योंकि अन्नपूर्णा तो सभी के लिए है। मैम मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे अन्य राजनीतिक पार्टियों कोई भी नेता मंत्री विधायक कोई भी मतलब कोई नहीं दिखाई दिया। सर एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि हम देख रहे हैं 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का सवाल है, माँ अन्नपूर्णा देवी जी की मूर्ति आ रही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियों के जो नेता मंत्री विधायक हैं या अन्य लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, तो ये असली हिंदू और नकली हिंदू की यहाँ पे बातें हो रही है कि क्या उनके मन में क्या आस्था नहीं है, क्या वो लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सर इस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि ये प्रतीत हो रहा है, समाज भी देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने मिशन पे अपने टारगेट को लेकर के काम करती है। उसके मन में 125 करोड़ जनता की बात, अगर मोदी जी बात करते हैं 125 करोड़ जनता की बात करते हैं, न कि 100 करोड़ जनता की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, न किसी अन्य धर्म की बात करते हैं। यहाँ सारे अनुसांगिक संगठन आपको दिखाई देंगे, संत भी दिखाई देंगे, महात्मा भी दिखाई देंगे इस स्वागत सम्मान समारोह में, और हम लोग यहाँ पुष्पार्चन करेंगे, माता का दिव्य आरती करेंगे। हम लोगों ने माता का हर जिस जनपद से होकर के गुजरी है यात्रा, वहाँ के लोगों के मन में भाव बढ़ा कि माता जी का दर्शन हमको 100 साल के बाद, इतने साल के बाद उनको दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर को पूरी तरह से बनाए। हम सभी बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि माता अन्नपूर्णा है, वो अन्न की देवी है, और हिंदू हो या मुसलमान हो मैं तो ये कहता हूँ कि हमें जो भी अन्न दे रहा है वो हमारी माता है, और 100 साल बाद 18वीं शताब्दी की ये मूर्ति है जो आज हमारे देश वापस आ रही है, जो हमारे श्री बब्बर शेर कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य के तहत यहाँ आ रही है।